लाइफ का फर्स्ट स्नो। सर ऑटोग्राफ सर नना ये लोग ना बर्फ लेके खड़ा हाथ में। दीपक भैया गधा वो वहाँ पे अंजलि क्या दिया किसने मारा सर्दियों का रास्ता नहीं है जी, ये रास्ता गर्मियों का है। हम फंस गए हैं छोटी सी रास्ते। दोनों अपने अपने फोन में लाइव आ रखे हैं और दोनों मैं दिख रहा हूँ। जस्ट अभी हम खाना खाने रुके थे और हमने खाना खा लिया। अभी हम निकल रहे थे पहलगाम के लिए। जस्ट हम ट्रैवलर पे बैठे थे कि तन्नू को पता लगा कि उसके कान का टॉपर्स क्या कहते हैं सो इयररिंग निकल गया, गुम गया। लास्ट टाइम भी उसके अंगूठी गुम हो गया था और इस बार इयररिंग वही ढूंढ रहे हैं अभी। खाना चाहिए और तुम्हें तो हो गया नहीं फैमिली। अभी मुझे पता लगा यहाँ पे कीवी 50 रुपए का एक किलो, अपने लुधियाना में 50 रुपए का एक मिलता है। ऐसा लग रहा प्लास्टर होगा भाई ने, पता ऐसे खींच दिया था अभी ऐसे करके। कू लेने गया यार अभी गाली दे रहे हाँ सारा भिखारी पड़े आते हैं। अब मत देना चलो। नाइस मैन, ये फ्रूट्स खाने के लिए सब कुछ लिया। भैया आपकी बात हो रही है यहाँ पे और राज भाई आपकी बात हो रही है यहाँ पे। मेरे कान से खून निकल रहा है यार, इस बंदे ने बड़ी जोर के मारा यार। इनकी आईडी देता हूँ, इनकी आईडी में जाके गालियाँ दो यार। डीसी So family, finally, हम पहुंच चुके हैं पहलगाम। मैं यार थोड़ा कंफ्यूज, पहलगाम बोलते कि पहलगाँव बोलते हैं, बट हम तो शुरू से पहलगाम ही बोल रहे हैं। और यहाँ पे बर्फ देखो, वाओ वाओ, गंदी थी बर्फ। बाकी अब हम देख रहे हैं यहाँ पे होटल। हमने एक्चुअली पैकेज बुक कराया था हमने अपना, तो पैकेज के हिसाब से यार होटल इतने सही नहीं मिल रहे हमें। लास्ट टाइम हम आए थे, हम अपनी मर्जी से कोई भी होटल में जा रहे थे, अच्छे अच्छे होटल में भी रह रहे थे, बट इस बार उस हिसाब से ना होटल मिले नहीं ढंग के। तो इधर इधर आ, होटल इधर ही है होटल। वो जो ना सिरपुरी में पैर मारो, पैर मारो, यस जोर ये मत करो, ये से ऐसे ऐसे करो बस। सॉरी गलती तो नहीं, नहीं कोई गलती नहीं, कोई गलती नहीं। तो कौन सा रूम नंबर? फर्स्ट फ्लोर। तो सारी सारा अंग्रे गाड़ी और सोने को रात, तो सारी सारा अंग्रे गाड़ी। भाई साहब यहां पर ना विजय थालापति की मूवी की शूटिंग हो रही है। कौन हो रही है हमारे साथ? ये पबजी। तुमने करा कैसे? तो फैमिली हम आए हैं आप दूसरे होटल। ओए मेरे को लगा सॉफ्ट बर्फ होगी, हार्ड है देखना। ये दिखने में तो अच्छा लग रहा है, बट यार यहाँ पे आसपास ना यार व्यू पॉइंट भी नहीं है और यहाँ पे बर्फ भी नहीं है। करे तो करे क्या करे भैया, यहाँ पे व्यू पॉइंट ही नहीं है यार। वो तेरा घेर दिया पूरा, कपड़े गीले कर दिए हमारे गाड़ी के आगे दो घोड़े। गर्मियों का रास्ता है, सर्दियों का रास्ता नहीं है, छोटी सी रास्ता। इनको मारे जा रहे हैं, इनको लगे कि मैं मार रहा हूँ। अंजलि क्या दिया, किसने मारा? तुमने कितना रह गया अली? आप बताओ किसने था? जिसने भी था दोनों भी डंगे। दोनों क्यों? बताओ किसने था। चलो एक बार अब दिखा प्रूफ। एक एक भैया को मारो आज, इसको बोलो पूरी वीडियो दिखा। पहले भैया को मारो फिर पक्का। No. अब बताओ, अब बताओ किसने मारा है? वो तो भैया ने मारा। अब बताओ अभी तो कह रहे हैं अंकल, अभी तो चल जाएगी, बर्फ सॉफ्ट है, सुबह शायद
वीडियो दिखा सकता हूँ मैं नहीं पागल आपको जन्नत दिखाऊं जन्नत दिस इज जन्नत हेवन वाओ। तो अभी हम जा रहे हैं होटल जहाँ पे हम लास्ट टाइम रुके थे ना वहाँ पे जा रहे हैं। उस होटल को ढूंढते ढूंढते हमें हो गए हैं पूरे 4 घंटे। यहाँ पे हम पहुँच गए थे ऑलमोस्ट 2.5 घंटे में और यहीं पे हम घूम रहे हैं 4 घंटे से यार। हाय हाय दीपक भैया गधा दीपक भैया गधा वहाँ पे गधा देख लिया तो देखता नहीं वो पप्पी है प्यारा पप्पी अली टट्टी मजा आ गया फैमिली। पर यहाँ पर ना ऐसे इतनी सारी बर्फ दिख रही है आपको लग रहा होगा बहुत ज्यादा ठंड यहाँ ऐसे ऐसा हो रहा है बट ऐसा सीन हो ही नहीं रहा। लुधियाना में 8 या 10 डिग्री वाला भी पड़ जाए ना ठंड तो ना हाथ ऐसे मतलब अकड़ जाते हैं एकदम चुभती है। और यहाँ की ठंड माशाल्लाह सुभानअल्लाह एवरीथिंग इज इंशाल्लाह इंशाल्लाह जय श्री राम। थोड़ा कश्मीर के लोग बहुत प्यारे हैं यार बहुत सही हैं। हमें लगता है कि थोड़ा मतलब ऑफेंसिव अग्रेसिव है तो आप लोगों को भी लगता होगा यहाँ ये थोड़ा ना अपने आप को लेकर थोड़ा एक कदम अपने को आगे रखते हुए बट ऐसा कुछ नहीं यहाँ पे सब इक्वल है मजेदार है। बस हमारा ड्राइवर अंकल छोड़ के कुछ नहीं बोलता वो सब उसको बुलाया जा रहा इग्नोर कर रहा है पूरा यार। तो फाइनली हम अपने होटल में पहुंचने लगे हैं और अली यार ये व्यू चेक करा इधर जाओ यार किस्मत खराब होटल ही बंद है यार देना बर्फ की वजह से बंद है हैक हो गया यार। चलो देखते थोड़ा आगे जाके पहले हम ना उधर से आ रहे थे तो ड्राइवर अंकल इतना वो ना अपनी चलाता वो फिर वापस लेकर 4 किलोमीटर एक्स्ट्रा चलाकर उधर साइड से आ रहा है। अब आएगा मजा अब लग भी रहा है कि यहाँ पे तैर फड़ होगा व्यू सामने और वो ऊपर रूम हमारा और ये है हमारा होटल। मंदा ना ये लोग ना बर्फ लेके खड़ा हाथ में मारना मत बहुत मारूंगी विनोद ठंड लग जाएगी वो तो कितना आराम है सब बर्फ लेके खड़े हैं मारने के लिए आराम से मैंने भी लेके रखी है इससे थोड़ा मारूंगा इससे बड़े से मारूंगा कितने एक दिन का उठाया वैसे सर सर ऑटोग्राफ सर 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 मैम 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 एक ऑटोग्राफ मैम मैम प्लीज मैम इतना एटीट्यूड मैम मैम प्लीज इंटरव्यू दे दो मैम अपना मैम प्लीज तन्नू के मम्मा प्लीज तन्नू के मम्मा और ये देखो इनको भगाओ गाना सुनाओ पहले वो भाई हीरो भी कितना एटीट्यूड वाला विनोद भट्ट एक्सपोज्ड सो फैमिली अब टेक है बर्फ में भाई साहब बहुत ज्यादा ठंड है यार यहाँ पे खुद ने तो मोटा जैकेट पहन लिया इसने तन्नू ये देखो भगवान कसम सबसे ज्यादा ठंड आज लगी मेरे को जिंदगी में हाथ पूरे ना सुन हो गए बिल्कुल सुन यार। तो कैसा लगा तुम्हें आज आज कम लगी इतने में लगी सिर्फ तो देखे ना भाई मुझे क्योंकि बर्फ एक बार नहीं मैंने कम से कम 20 बार पकड़ लिया होगा बर्फ को। चलो मिलता थोड़ी देर में आपको जन्नत दिखाता हूँ जन्नत इन 3, 2, 1 लाइफ का फर्स्ट स्नो
सपना पूरा हो गया आप लोगों के साथ। हाँ आप लोगों के साथ एकदम दिख रहा है आपको, थोड़ा थोड़ा तो दिख रहा होगा यार भैया, सपना तो नहीं देख रहे आप, छुट्टी काटना सपना नहीं है ये। सब खुश है देखना। अब देखो अब अच्छे से दिख रही है भाई साहब, ये देखो अब आपको दिख रहा होगा फोन में एकदम क्लियर क्लियर स्नोफॉल। वाओ भाई साहब मजा आ गया। रात के 12:30 बजे मैं -5 डिग्री में जा रहा हूँ बाहर, वो भी सिर्फ स्नोफॉल एक्सपीरियंस करने के लिए और छूने के लिए। बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। भैया और अली तो चले गए हैं, वो भी बिना फ़ोन लिए उन्होंने अपना एक्सपीरियंस कैमरे में दिखाया। वो कहते कि मैं भी ऐसे जा रहा था उनके साथ पर थोड़ा लेट, वो कहते जल्दी ऊपर जा वापस फ़ोन लेकर आ और शूट भी करना फर्स्ट एक्सपीरियंस स्नो फोन के साथ। हाँ जी गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। चला अली फिर चले फिर कूद जाओ यहाँ पे एक बार कूद जा।